Start. Hello everyone, today we will discuss shortcut keys of MS Word. So these are some shortcut keys. First one is copy. Okay, so this command is used to copy any text. Agar aapko kisi text ko copy karna hai to hum particular control plus C ka use karte hain. Okay, matlab aapko yahan pe C hai, isko kahin aur use karna hai to usko C copy kar liya aur kahin aur aap isko use kar sakte hain. Ye yahi pe rahega. Theek hai, then paste command. This command is used to paste the copied text. जो आपने कॉपी कर रखा है, सी को कॉपी कर रहे हैं और आप चाहते हो सी को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके आपको पॉइंटर ले जाना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे आएगा. क्लियर है ये? तो पेस्ट कमांड हो. कट कमांड. कट कमांड इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कट कमांड क्या करती है कि ये जो सी है, आप चाहते हो कि सी या फिर आर है, इसको आप यहाँ से हटाना चाहते हो पूरी तरीके से और हटा के कहीं और लगाना चाहते हो, तो आपको कंट्रोल प्लस एक्स कमांड यूज करना होगा. देन फाइंड कमांड. So this command is used to search any text. मतलब ये command किस लिए use करते हैं, हमको कोई text या फिर कोई नाम search करना है तो हम control plus F press करेंगे, एक window open होगी, उस window में हम किसी का नाम put करेंगे, नाम put करने के बाद search करेंगे, enter press करेंगे, तो हमारे सामने वो नाम आ जाएगा. Okay? Undo. Undo क्या होता है कि आपने कुछ गलती करी है, आप चाहते हो कि वो गलती मैंने कर दी है, मैंने delete कर दिया data, तो वो वापस आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे. तो जैसे आपने कुछ कट कर दिया, डिलीट कर दिया है, तो कंट्रोल जेड करने के बाद में क्या होगा कि वो डिलीटेड डेटा वापस आ जाएगा. रिटू. रिटू आपने सोचा कि नहीं, मैंने जो डिलीट किया था वही सही है, मैं वापस जाना चाहता हूँ वापस, तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना पड़ेगा उसके लिए. अंडरलाइन. टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए. न्यू फाइल. जैसे एमएस वर्ड की कोई फाइल आपने ओपन करी है, आप चाहते हो कि एक और नई फाइल ओपन करो, तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना. Save option this one.